शर्मा है, ट्यूलिप हाइट का मेंबर हूँ, सोसाइटी में रहता हूँ। और लास्ट टाइम जो यहाँ इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट्री, यहाँ पर पार्लियामेंट का, उसमें सोसाइटी का पोलिंग 80% हुआ है। इस बार भी पोलिंग हम ज़्यादा कराएंगे और बीजेपी को जिता कर ही भेजेंगे यहाँ से। और हमें बीजेपी से बहुत उम्मीद है कि वो जो हम कार्य उनसे कहेंगे उन कार्यों को। रामनरवीर जी, इनको मैं 2016 में यहाँ पे आया था ट्यूलिप वाइट, ट्यूलिप पर्पल में, तब से मैं जानता हूँ। क्योंकि यहाँ जो गुड़गांव का हाल था 2016 में, जब से ये मिनिस्टर बने, तो चाहे आपकी ट्यूलिप चौक से लेके रोड हो, चाहे मतलब कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत काम हुआ, क्योंकि ये PWD मिनिस्टर भी थे। तो हमें उम्मीद है कि अगर ये दोबारा आते हैं तो डेफिनेटली इस एरिया का डेवलपमेंट होगा। जो यहाँ वाटर लॉगिंग बहुत बड़ा इशू है, और यहाँ मतलब कि जो ये एरिया जो है, मतलब कि अभी भी स्टिल नॉट कनेक्टेड टू द SPR रोड। तो हमें उम्मीद है अगर बीजेपी दोबारा आती है, रामनरवीर सिंह जी जीतते हैं, तो डेफिनेटली इस एरिया का और डेवलपमेंट होगा। म्यूनसिपैलिटी वाले का जो सबसे इशू है कि ये जो सीवरेज और ये सब है, मतलब सबसे ज़्यादा जो फंड इनके पास जाता है, मेरे ख्याल से इनकी जो सफाई है, ये लोग काम ठीक से नहीं करते। तो इनके आने से ये उम्मीद है कि म्यूनसिपैलिटी वाले अपना काम करेंगे और ये सीपेज और ये जो सीवरेज की वजह से जो भी पानी का निकासी है, ये अच्छे से अच्छे हो। आप भी हमारे साथ, मेरे देख रहा था कि आप मेरे से पहले आए हुए हैं यहाँ, माहौल आपको लगता है, इतनी बारिश के बावजूद भी इतनी संख्या में महिला और आदमी आ रहे हैं, तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का मन है वोट देने का। मैं मानता हूँ कि गुड़गांव में बहुत जल भराव है, मैं भी अब यहाँ एक घंटे में यहाँ पहुँचा हूँ। प्राथमिकता के तौर पर हम गुड़गांव में ये करेंगे कि भाई जल भराव ना हो, बारिश होती है, होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आधे घंटे के अंदर गुड़गांव साफ हो जाना चाहिए। नहीं, मैं कोई दफ़ा सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने प्रत्याशी खड़े करती हैं, सबको अधिकार है जनतंत्र में वोट मांगने का, मांगो, जनता जिसको पसंद करेगी वो चुनाव जीतेगा।